गोंडा जनपद के थाना नवाबगंज में मोहम्मद करीम खान के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मदरसा हनीफिया हिदायतुल उलूम में अल्पसंख्यक विभाग के अफसरों ने लिपिक से मिली भगत का शिक्षक भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा व पैसा गमन का घोटाला किया गया है। मामला उजागर होने से विभाग में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया कि दिए गए प्रार्थना पत्र की विवेचना क्राइम ब्रांच के द्वारा कराई जा रही है। दिए गए प्रार्थना पत्र में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सहित 13 व्यक्ति नामजद हैं। पुलिस सभी तत्वों की बारीकी से जांच कर रही है और निष्पक्ष जांच कर जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होगी। नवाबगंज में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है मदरसे को लेकर, किस तरीके से फर्जीवाड़ा है, किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है? ये मोहम्मद करीम खां हैं, इनके प्रार्थना पत्र पर थाना नवाबगंज में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच से कराई जा रही है। ये मदरसे में घोटाले की प्रकाश में लाया जाएगा। किन लोगों के खिलाफ इसमें कोई अधिकारी भी है इसमें मुकदमे में, कौन सा अधिकारी है, किस तरीके से कार्रवाई? जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सहित इसमें 13 व्यक्ति नामजद हैं और अन्य लोग भी हैं इसमें जिनका नाम नहीं है, और विवेचना से देखा जाएगा कि कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। इसमें नियुक्ति लेके और पैसा गमन का इसमें आरोप है और पुलिस इस सभी तथ्यों पर जांच कर रही है और निष्पक्ष कार्रवाई करके, अवसर पैदा में कार्रवाई करके माननीय न्यायालय को रिपोर्ट पेश की।